हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आरबीज में। आज मैं आप लोग को एक्सटीरियर सीन का लाइटिंग कैसे करते हैं आपको वीरे में बताने वाला हूँ मैं कैसे करते हैं। और अगर आपको कोरोना का देखना है तो इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ कोरोना में कैसे लाइटिंग करते हैं। और आज मैं आपको वीरे में बताने वाला हूँ कि वीरे में कैसे करते हैं इसे। तो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं अभी सन और जो वीरे का डिफ़ॉल्ट स्काई आता है उससे लाइटिंग बताऊँगा, और बाद में इसका वीडियो में एक HDRI से कैसे लाइटिंग करते हैं वो भी बता दूंगा कि कैसे करते हैं। तो अभी मैं पहले वीरे सन ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे वीरे सन लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछता है, ठीक है, इन्वायरमेंट मैप, अगर इसका जो डिफ़ॉल्ट स्काई अगर हमको ये चाहिए इन्वायरमेंट में, तो मैं इसको एस करूँगा तो क्या होगा, इन्वायरमेंट में आ जाएगा इसका। लेकिन इसको मैं ऊपर लेके गया, ठीक है, बाद में आपको मॉडिफायर में जाना है। फिर यहाँ पे आके जैसे आपके स्पेकुलर है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो फिर अगर ये अगर ऑन रहेगा तो क्या होगा, जो सन का ये राउंड दिख रहा है आपका सन, यहाँ पे ग्लास जाने का वहाँ पे एक पैच बनेगा, इसलिए आप उसको ऑफ कर देना उसको, और ये इनविजिबल ऑन कर देना, ठीक है। और यहाँ पे से इंटेंसिटी है, मैं इसको यहाँ पे 0.8 और इसको मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ या तो 5, ठीक है। ए रेंडर मार के चेक करते हैं उसके बाद पता चलेगा। ये करने से क्या होगा, जो शेडो एकदम, अगर समझ मेरा यहाँ पे 1 रहेगा तो शेडो एकदम शार्प गिरेगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इसको 5 आपके व्यू के हिसाब से करना, तो इससे थोड़ा सॉफ्ट शेडो गिरेगा। ठीक है, इसके बाद अभी एक कैमरे का भी सेटिंग है जो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे मैं गया, इसको कैमरा सेलेक्ट किया, देन कैमरे में आने के बाद ये जो यहाँ पे टारगेट दिया है तो मैनुअल में जाके आप कर सकते हैं या तो टारगेट में कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे 6 दिया है तो मैं यहाँ पे 10 करता हूँ मैं इसे, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है मटेरियल में, देन मटेरियल में आने के बाद आपको करना है इन्वायरमेंट में जाना है, जो हम लोगों ने सन लेते हुए जो स्काई पूछ रहा था वो यहाँ पे आ गया है, तो इसे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ओके सेंस पे करना है आपको, देन इसको ऑन कर देना है, जैसे यहाँ पे सन इंटेंसिटी मल्टीप्लायर जो है स्काई का 0.5, ठीक है। बाद में इसको यहाँ पे इंस्टेंस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा मैं, ठीक है। अभी स्काई का काम हो गया है, अभी एक छोटा सा रेंडर मार के हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये व्यू कैसे आता है। अभी तो रेंडर में जाना है आपको, उसके बाद वीरे बफर, यहाँ पे एक मैं छोटा सा रेंडर मार लेता हूँ। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपको कुछ पूछना हो वहाँ पर मुझे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि पूरा मेरा ये बर्न आउट हो रहा है, ठीक है, इसको मैं स्टॉप करता हूँ मैं। अब ये क्यों हो रहा है मैं उसका रीज़न बताता हूँ मैं। अभी यहाँ पे जो एक कैमरा है, कैमरे को मैं सिलेक्ट करता हूँ मैं इसे, और यहाँ पे इसे अभी 10 रखाना, इसे 12 करता हूँ, फिर एक रेंडर, ठीक है। अभी देखेंगे यहाँ पे ये बैलेंस हो गया था, अभी मैं कैमरे का जो सेटिंग यहाँ पे 12 रखूंगा EVs का, ठीक है। अभी इसके बाद मुझे कुछ जैसे सन का भी और लाइट अगर चाहिए मुझे, तो मैं सन का इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ाऊंगा, इसको स्टॉप करता हूँ मैं, देन यहाँ पे शेडो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सन को थोड़ा और ऊपर लेके जाऊँगा, यहाँ पे जाके ऑल कर देता हूँ इसे और ऊपर, देन ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसे 1 कर देता हूँ मैं, यहाँ पे फिर से रेंडर। आप जब भी रेंडरिंग करेंगे छोटे में रेंडर, इसका जो रेंडर साइज मैंने यहाँ पे रखा है 500x500 रखा है मैं, ताकि फटाफट रेंडर हो जाए पता चले, जब फाइनल रेंडर मारेंगे तो हम इसे एक बड़ा रेंडर लगा सकते हैं। इसे यहाँ पे शेडो और गिरा तो मैं यहाँ से यहाँ ट्री भी हटा मूव कर देता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे ट्री है इसमें, ठीक है, फिर से रेंडर। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, ये मैं वीरे नेक्स्ट में बना रहा हूँ मैं। बहुत लोग बोले थे कि मतलब मुझे वीरे में चाहिए कैसे लाइटिंग करते हैं, तो ये बेसिक लाइटिंग सेटअप है, इतना कुछ इसमें है नहीं, आप फटाफट ये सीख सकते हैं, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नहीं, इसको यहाँ पे किया,
फिर सिलेंडर, अब ये वीडियो बनाने के बाद इसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि बेसिक जो होते हैं बिगनर्स, मतलब मॉडलिंग कैसे करना होता है प्लान से, एक्सटीरियर व्यू कैसे बनाते हैं प्लान से, वो सब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करना होता है। क्योंकि मेरे चैनल पे एक्चुअली बेसिक ट्यूटोरियल है नहीं है ज़्यादा, ज़्यादा करके कोरोना के है, वीरे के थोड़े कम है, तो वीरे कोरोना ये सब ट्राई करूँगा सब चीज़ में सिखाने का धीरे धीरे। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये प्रॉपर सेट हो गया है, देन यहाँ पे रखता हूँ इसे, एक कोरिएंडर मार लेता हूँ मैं। अभी जैसे यहाँ पे ब्लू ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन क्या है, जैसे ये इन्वायरमेंट में जो स्काई है उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पे। एक बार लाइट सेट हो जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ ये ब्लू कैसे कम करना है, वो भी हम कम कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे, यहाँ पे ये मेरा प्रॉपर सेट हो गया है लाइट, देन ठीक है, इसे मैं स्टॉप करता हूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ मटेरियल में जाना है, देन इसके बाद मैं यहाँ पे ग्लास सेलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे एक ग्लास सेलेक्ट किया, ग्लास में इसे मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन बढ़ाया, इसे मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको नीचे जितना करते हैं फॉलोअप में जाके तो आपका ग्लास और ट्रांसपेरेंसी होता, अगर ऊपर लेके जाते तो और मिरर की तरफ जाता है। तो मैं फिलहाल इसको सेंटर में रखता हूँ जो डिफॉल्ट होता है इसका, देन बैक गया। अभी इसके अंदर जैसे मैंने ये कलर डाला है रिफ्लेक्शन के लिए, मैं इसे कम कर दूंगा। ठीक है, और मैं ग्लास जो ब्लूइश आ रहा है मैं ग्रीनिश ग्लास रखता हूँ। मैं ग्रीन के लिए आपको क्या करना है, ग्रीन की साइड जाना है, देन ठीक है। अभी एक छोटा सा है यहाँ पर, हम लोग पैच रेंडर मार के चेक कर लेते हैं कैसा आया है। अभी यहाँ पे डिफरेंट देखेंगे कि पहले का ग्लास कैसा ब्लूइश था, अभी ग्लास ऐसा हो गया है, तो इसमें भी हल्का सा और चेंजेस कर देता हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे भी मुझे ग्रीनिश से करना पड़ेगा। ठीक है, एक रेंडर और रीजन। आपको अगर वीडियो पसंद है जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी ये मुझे लग रहा है ये परफेक्ट हो गया है। अभी इसके बाद मैं इसको आपको बताता हूँ कि जैसे अभी मुझे फाइनल रेंडर लगाना, तो इसका वीरे का क्या क्या सेटिंग होता है, देन अभी कैसे मुझे रेंडरिंग करते बाद में से मुझे फोटोशॉप में काम करूँगा मैं, तो यहाँ पे जो एजेस आते हैं एजेस नहीं आना चाहिए, उसके लिए क्या करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है आपको। अभी यहाँ पे ते ओके हो गया है परफेक्ट। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ मैं। अभी देन आपको क्या करना है, ठीक है, आपको जानना है रेंडर सेटअप में, देन आपको क्लोज ऑल करता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे वीरे में जाके आपको जाना है इन्वायरमेंट में। ठीक है, यहाँ पे इन्वायरमेंट में जो अभी जैसे मैंने यहाँ पे जाता हूँ रेंडरिंग में इन्वायरमेंट, यहाँ पे वीरे स्काई दिया हुआ है, तो आपको ये तीनों ऑन कर देना है। ठीक है, और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करना है इंस्टेंस पे, यहाँ पे भी इसे और यहाँ पे भी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है और मैं इसे ऑफ कर दूंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको रीजन मारूंगा रेंडर, तो क्या होगा, जो फील आ रहा है सेम आ रहा है, सिर्फ पीछे ना स्काई नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या होगा, फोटोशॉप में जब भी हम स्काई लगाएंगे तो वहाँ पे कटिंग करने के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं इसको। तो आपको जीआई में जाके, वीरे में जाके, जीआई में, इन्वायरमेंट में जाके आपको ये तीनों में डालना होता है, इन्वायरमेंट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रेक्शन इन्वायरमेंट, बाद में रिफ्रेक्शन इन्वायरमेंट। अभी आप देखेंगे सेम फील आया है, सिर्फ यहाँ पे इसका आया नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा, एकदम इजिली आप फोटोशॉप में उसको कटिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कैंसिल किया। ठीक है, अभी इसका क्या सेटिंग है मैं आपको बताता हूँ। मैं तो आपको सबसे पहले ये जो साइज है अभी फिलहाल मैं यही रखता हूँ, मैं यहाँ पे 1000। वन जीरो 8 0 रखता हूँ मैं यहाँ पे, देन उसके बाद ये तो सेटिंग कर दी हम लोग ने। यहाँ पे जाके राइट क्लिक करें, आप करना है स्विच टू एक्सपर्ट, आप एडवांस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्लोज करता हूँ मैं फिलहाल। ठीक
ठीक है। अब यहाँ पे जो आता है एडेप्टिव लाइट आता है, आपको यहाँ पे करना है फुल इल्यूमिनेशन लाइट करना है, ठीक है, ये ऑफ हो जाएगा। देन आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑन है यहाँ पे, तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। अगर ये ऑन रहता है, अगर मटेरियल में दिए हो तो इसमें टाइम जाता है, फिलहाल मैंने किसी में दिया नहीं हो फिर मैं ऑफ करता हूँ, समझो किसी ट्री में रह गया, इससे अच्छा आप ऑफ कर दो उसे। फिर आपको IR में जाना है, सॉरी IR में तो कुछ नहीं है, यहाँ पे क्लोज ऑल, ठीक है, यहाँ पे प्रोग्रेसिव एंड, यहाँ पे मैं बकेट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इमेज फिल्टर में ये सेम रहने देता हूँ मैं, यहाँ पे है बकेट इमेज सैम्पलर जो है 1:24 है, तो मैं यहाँ पे 8 रखूँगा ताकि मेरा जल्दी रेंडर हो जाए। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 2 रखूँगा, यहाँ पे 22 जो बकेट साइज है। बाद में ग्लोबल DMC में जाना है मुझे, ठीक है, यहाँ पे तो 3 रखता हूँ, कलर मैपिंग में आपको जैसे यहाँ पे जो रेंड हार्ड है यहाँ पे आपको गामा 2.2 ही रखना है, यहाँ पे जैसे लिखा है बर्न वैल्यू लिखे, यहाँ पे मैं इस कर दूंगा 1.95, ठीक है। बाद में आपको आना है यहाँ पे ब्लूट फोर्स है, यहाँ पे करना है इरिडेंस मैप करना है आपको, सेकेंडरी बाउंड्री 0.95, इसको ऑन कर देना है। यहाँ पे मैं 16, यहाँ पे बराबर है ये। देन इमेज इरिडेंस मैप में आके यहाँ पे हाई है तो ये मैं यहाँ पे लो कर दूंगा, या तो आप मीडियम कर सकते हैं, आपको क्वालिटी कैसे चाहिए, यहाँ पे 60, यहाँ पे 40, ठीक है। बाद में लाइट कैश में आना, इसको मैं यहाँ पे 300 रखूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं टॉप टू बॉटम, इससे का जो बकेट रेंडर होगा ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है। बाद में डायनेमिक मेमोरी, इसमें क्या डालना होता है, इसमें पूरा मेमोरी मेरा यूज़ करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे मेरे PC का जो रैम है उसका मैंने 32 GB, इसमें हमें 32,000 मतलब पूरा मेमोरी यूज़ करेगा मेरे PC का, ठीक है। ये सेटिंग होंगे, अभी आना है रेंडर एलिमेंट में, आपको जाना ऐड करना है यहाँ पे वीरे अल्फा, देन डी नॉइजर, बाद में एक्स्ट्रा टैक्स तो नहीं लेना है हमने को, वीरे लाइट, देन आपको लेना है रिफ्लेक्शन, स्पेकुलर शेडो भी ले लेता हूँ, ठीक है। बाद में वायर कलर, ठीक है, इतना मैंने ले लिया है। डी नॉइजर तो आपको कंपलसरी लेना है क्योंकि इसमें डी नॉइज का भी ऑप्शन दिया है वेरी नेक्स्ट में। देन वायर कलर अल्फा, ठीक है, ये हो गया है। बाद में डी नॉइजर में आके यहाँ पे आपको डिफॉल्ट सेलेक्ट करना है, स्ट्रॉन्ग करोगे तो एकदम ब्लर हो जाएगा इमेज, तो आपको डिफॉल्ट सेलेक्ट करो उसका जो बाय डिफॉल्ट है। देन इसके बाद मैं इसे रेंडर के लिए हिट करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप लोग ने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ मैं भी। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको फाइनल रेंडर के लिए हिट करता हूँ मैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में आपको कैसा लगा ये वीडियो। इसको मैंने हिट किया, ठीक है, अभी रेंडरिंग चालू हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच गाइज।